वक्त एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से, जहां गृह मंत्री अमित शाह नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर अधिकारियों के साथ कर रहे हैं बैठक। इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उनके साथ शामिल हैं। इस बैठक के बाद अमित शाह रायपुर जाएंगे, जहां वो अस्पताल में भर्ती घायल जवानों से मिलकर उनका हाल जानेंगे। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को पूरे सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी। एक दिन पहले बीजापुर में हुए नक्सली हमले में सुरक्षा बल के 22 जवान शहीद हुए, जबकि 31 जवान जख्मी हुए हैं। वहीं सीआरपीएफ का एक जवान अभी भी लापता बताया जा रहा है, जिसे तलाशने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस सबके बीच जो बड़ी खबर मिल रही है वो ये कि अधिकारियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह बैठक कर रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हैं। तो ये उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अब से थोड़ी देर पहले, जब गृह मंत्री अमित शाह ने शहीद जवानों को सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी। उस वक्त छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद थे, शहीदों को सलामी देते हुए उनकी शहादत को नमन किया। बीजापुर में जो नक्सली हमला हुआ उसमें 22 जवान शहीद हुए हैं, एसटीएफ और डीआरजी के 13 जवान इसमें शामिल हैं। आतंकी हमले में 31 जवान जख्मी भी हुए हैं। तो 2000 जवान अभियान पर निकले थे, नक्सली जवानों के हथियार भी ले गए। करीब 400 नक्सली उस वक्त मौजूद थे। नक्सलियों को भारी नुकसान पहुंचाया, क्योंकि जहां पर यह मुठभेड़ हुई वो नक्सलियों का गढ़ था, और वहां सीधे चुनौती देते हुए जवानों ने भारी नुकसान पहुंचाया नक्सलियों को, और इसी बीच 22 जवान भी शहीद हुए। कल छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले के दो मास्टरमाइंड हैं। नक्सलियों की आर्मी प्लाटून 1 यूनिट के लीडर हिडमा ने इस नक्सली हमले को अंजाम दिया था, जबकि इस हमले की पूरी रणनीति नक्सली लीडर बसवा राजू है। इस हमले में 22 जवान शहीद हुए हैं। हिडमा पर 50 लाख का इनाम है और वो छत्तीसगढ़ के सुकमा का ही रहने वाला है। इस हमले के लिए बसवा राजू खासतौर पर आंध्र से छत्तीसगढ़ आया था और हमले के वक्त मौजूद था। जानकारी के मुताबिक बसवा राजू वारंगल के इंजीनियरिंग कॉलेज से ग्रेजुएट है। तो इस पूरे हमले के पीछे दो मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। दिल्ली से अरुणिमा हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। अरुणिमा, क्या जानकारी मिल पा रही है? ये कहा जा रहा है कि इस पूरे हमले के पीछे दो मास्टरमाइंड। देखिए, जहां तक बसवंधर राजू की बात है, बसवंधर राजू अब सीपीआई माओवादी के मुखिया है। गणपति ने चार्ज हैंडओवर कर दिया था पिछले साल, और तब से बसवंधर राजू सीपीआई माओवादी को एक नया डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों के अप्रोच में, गणपति और बसवंधर राजू के अप्रोच में जो फर्क सरेंडर्ड नक्सलियों ने बताया है पुलिस वालों को, वो ये है कि गणपति सीपीआई माओवादी के मूवमेंट को पॉलिटिकल डायरेक्शन देना चाहते थे, जबकि बसवंधर राजू का अप्रोच मिलिट्री है। वो चाहते हैं कि कम एनकाउंटर्स हो पुलिस वालों के साथ, लेकिन हर एनकाउंटर में मैक्सिमम कैजुअलिटी इंफ्लिक्ट की जाए। उनका पूरा अप्रोच मिलिट्री कमांडर के जैसा है, और इसमें उनकी मदद कर रहे हैं फर्स्ट बटालियन जो मिलिट्री है सीपीआई माओवादी की, उसके मुखिया हिडमा जो है वो वहीं के रहने वाले हैं, ट्राइबल हैं। आपने देखा होगा सीपीआई माओवादी में अभी तक जितने भी लोग ऊपर तक पहुंचे हैं, चाहे वो किशन जी हो, चाहे गणपति हो, चाहे बसवंधर राजू खुद हो, वो सब आंध्रा तेलंगाना के रहने वाले हैं। हिडमा जबकि ट्राइबल है, इसी बस्तर इलाके के रहने वाले हैं, इंग्लिश बोलते हैं और हमेशा हाथ में एक नोटबुक रखते हैं, और ये भी कहा जाता है कि वो गोंडी हल्बी जैसे जो लोकल भाषाएं हैं उसमें भी बात कर सकते हैं। इस हमले में ऐसा कहा जा रहा है कि करीब 350 कमांडर मिलिट्री कार्डर थे सीपीआई माओवादी के, और उनके साथ उतने ही तादाद में गांव वाले और जन मिलिशिया भी थे। तो एक आकलन ये है कि क्या हिडमा अपनी भाषा के जोर पे, क्योंकि वो इस भाषा को बोल सकते हैं जो वहाँ के लोकल लोग बोलते हैं, उसके बेसिस पर उनको कन्विंस कर पाए या उनको मजबूर कर पाए इस हमले में जुड़ने के लिए। तो ये दो लोग हैं जिनको माना जा रहा है कि पूरे ऑपरेशन की प्लानिंग उनके द्वारा की गई है। ये जो इंटेलिजेंस इनपुट था हिडमा के प्रेजेंस के बारे में, ये भी एक ट्रैप हो सकता है कि जब मतलब जानबूझ कर ये इन्फॉर्मेशन फीड किया गया ताकि फोर्सेज आए, और जब वो आए तो उन पे इस तरह का हमला हो। अरुणिमा, लौट रहे हैं आपके पास। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में कल हुए नक्सली हमले के बाद से एक जवान लापता है। लापता जवान का नाम राकेश्वर सिंह मनहास बताया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को डर है कि जवान राकेश्वर सिंह मनहास नक्सलियों के कब्जे में हो सकता है। राकेश्वर सिंह
मनहास जम्मू के रहने वाले हैं और उनके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, जिसकी वजह से उनके घर वाले बेहद परेशान हैं। सीआरपीएफ का इस जवान को खोजने के लिए सुरक्षा बल ने अभियान चलाया हुआ है। कल हुए नक्सली हमले में 22 जवान शहीद हुए थे। कल छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले में सीआरपीएफ और एसटीएफ के जवानों ने नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया और उन्हें भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। नक्सलियों के इस काराना हमले में 22 जवान शहीद हो गए। अस्पताल में भर्ती घायल जवानों ने न्यूज 18 को बताया कि लौटते समय नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया था, जिसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया। जवानों के मुताबिक नक्सलियों ने हमले के लिए देसी लॉन्चर और आईईडी का इस्तेमाल किया था। तो आपको बता दें, आईडी का इस्तेमाल हुआ था, देसी लॉन्चर का इस्तेमाल हुआ था। 31 के करीब जवान अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। लेकिन न्यूज 18 के साथ जब उन्होंने बात की तो जवानों ने बताया कि किस तरीके से घात लगाकर यह पूरा हमला हुआ था। लौटते समय नक्सलियों ने घात लगाकर यह हमला किया था और हालांकि जवानों की तरफ से भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया था। घायल जवानों ने यह बताया कि नक्सलियों ने हमले के लिए देसी लॉन्चर और आईडी का इस्तेमाल किया था। ऑलराउंड डिफेंस लगा के बैठ गए वहां पे और देखते रहे, वॉच करते रहे। उसके कुछ ही सेंस में बाद मतलब कि इनकी फायरिंग शुरू होगी सर, जो मतलब कि यूजुअल के ग्रेनेड थे वगैरह और कुछ इम्प्रोवाइज उन्होंने बनाए थे वो फायर करने लगे। जी सर, वहाँ उस समय था, मैं तब जानकारी के अनुसार 8-9 नक्सली तो गिरे हैं पर उन लोग बॉडी लाने नहीं दिए, बहुत तगड़ा फायर कर रहे थे जी। पूरा घेर रखे थे आप लोग? हाँ, चारों तरफ से घेर रखे थे हम लोग को। अरुणिमा हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। अरुणिमा, घायल जवानों ने बताया कि देसी लॉन्चर आईडी का इस्तेमाल किया गया था, किस तरीके से इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया था? लेकिन आप जिस तरीके से बता रही हैं, इस पूरे हमले में दो मास्टरमाइंड हिडमा के अलावा बसवा राजू वारंगल, ये कितना गंभीर मसला हो जाता है, कितना गंभीर और चिंता का विषय? देखिए, बसवंधरा राजू सीपीआई माओवादी के ओवरऑल मुखिया हैं, तो उनका निटिग्रिटीज में शायद रोल ना रहा हो बट ओवरऑल प्लानिंग में उनकी छाप जरूर है। एक्चुअल एनकाउंटर के दौरान हिडमा उसी इलाके में प्रेजेंट थे, तो जो एक्चुअल ग्राउंड पे गाइडेंस है वो हिडमा की तरफ से आ रहा था। क्या हुआ, कैसे ये एम्बुश को अंजाम दिया गया, इसके बारे में जो सर्वाइवर्स ने बताया है वो ये है कि चार अलग अलग जगहों पे एम्बुश रखा गया था। करीब 2000 जवान थे, अलग अलग कैंप से जा रहे थे। एक एम्बुश उन्होंने तोड़ा जो कि एक हिल टॉप पे था और वहां जब फायरिंग होने लगी तो टुकड़ी एक जवानों की नीचे की तरफ भाग कर गई जहां गांव थे और उन्होंने घरों के आसपास छुपने की कोशिश की। उनको ये नहीं पता सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के जो जवान शहीद हुए हैं उनको मैं भारत सरकार की ओर से, देश की ओर से, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से श्रद्धांजलि देता हूँ। उनका ये सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, ये लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने के लिए उनका बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। विगत कुछ वर्षों में नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंची है और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने इसको और आगे बढ़ाने का काम किया है। हम दो मकाम और आगे बढ़े हैं। आज छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री बघेल जी के साथ सभी फोर्स के अफसरों के साथ अभी रिव्यू मीटिंग भी की और रिव्यू मीटिंग के अंदर ये लड़ाई की गति किसी भी तरह से कम न हो, ये सुझाव अफसरों की ओर से ही आया जो बताता है कि हमारे जवानों का मॉरल अभी भी इंटैक्ट है और आगे बढ़ा है। और मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लड़ाई रुकेगी नहीं और गति के साथ आगे बढ़ेगी और इसको हम अंजाम तक ले जाएंगे। ये लड़ाई में अंत में नक्सलवादियों के खिलाफ हमारी विजय निश्चित है। विगत 5-6 सालों के अंदर
छत्तीसगढ़ के अंदर जितने भी कैंप अंदर तक ले जाने थे उसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में हमें सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ शासन और भारत सरकार ने मिलकर अंदर जाने की गति को बढ़ाया और उसी ही जुल्लाहट में इस प्रकार के घटनाएं सामने आती हैं। विकास के मोर्चे पर भी ढेर सारे काम हुए हैं। कोरोना के कारण थोड़ी गति विगत एक साल में मंद हुई है, मगर मैं मानता हूं कि जितने भी सुझाव ट्राइबल जनप्रतिनिधि की ओर से, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की ओर से, छत्तीसगढ़ के सांसदों की ओर से मिले हैं, वो सभी पर कार्यवाही चालू है। तो ट्राइबल एरिया के अंदर एक और विकास के काम को तेज करना और हथियारी ग्रुपों के खिलाफ लड़ाई को तीव्रता के साथ आगे बढ़ाना और उसको अंजाम तक ले जाना, दोनों मोर्चों पर दोनों सरकारें मिलकर मक्कमता के साथ लड़ रही है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये पूरी लड़ाई को लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए भारत सरकार की प्रायोरिटी पहले से ही तय की हुई है। मैं आज छत्तीसगढ़ और भारत की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये जो घटना हुई है इसके बाद ये लड़ाई और तीव्र करेंगे और ये लड़ाई को हम निश्चित रूप से विजय में परिवर्तित करेंगे। जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिजनों को भी मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आपके भाई ने, आपके पति ने, आपके बेटे ने जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है उसको देश कभी भुला नहीं सकता। मैं भारत सरकार की ओर से आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि संकट की, दुख की इस घड़ी में पूरा देश आपके साथ खड़ा है और आपके परिजनों का जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। इन्होंने जिस उद्देश्य के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है वो उद्देश्य को हम जरूर सिद्ध करेंगे। फिर से एक बार मैं शहीद हुए हुए जवानों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और उनका सर्वोच्च बलिदान जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, इसके लिए मैं देश को विश्वास दिलाता हूं। सर, हवाई हमला भी, सर नक्सलियों से वार्ता की कोई उम्मीद बाकी है? अभी जैसे गृह मंत्री जी ने आप सबसे चर्चा की और मैं भी जो शहीद हुए जवानों को नमन करता हूं, उनके सर्वोच्च बलिदान को प्रणाम करता हूं, साथ ही उसके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। परसों की जो घटना है वो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश को, देश को झकझोरा है, लेकिन ये भी मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जवानों ने बहुत ही साहस से, साहस का परिचय देते हुए नक्सलियों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। ज़बरदस्त ये मुठभेड़ मैं नहीं कहूँगा बल्कि एक युद्ध की स्थिति थी जिसमें 4 घंटा तक के लगातार हमारे जवान लड़ते रहे, जिसमें डीआरजी के एसटीएफ के, कोबरा के और सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, घायल भी हुए हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि नक्सलियों की, जो नक्सली मारे गए उसके लाश भी लाए और उसका हथियार भी लाए। ये भी आपने देखा कि मीनपा की घटना भी हम आगे बढ़ के उनके साथ लड़ाई लड़े और उनको भी क्षति पहुंचाए। लगभग 26 नक्सली उस समय मारे गए थे। इस समय भी बड़ी संख्या में नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है। 4 ट्रैक्टर में वो लाशें और घायलों को ले गए हैं, ये भी जानकारी है। कुछ दिनों में वो संख्या भी सामने आ जाएगा, 2-4 दिन में।
तो नक्सलियों को भारी क्षति इसमें हुई है। और ये वो एरिया है जिसमें जो उनका गढ़ कहा जाता है, उनका केंद्र कहा जाता है, और वहाँ हमारे लगातार कैंप खुल रहे हैं। मीनबम पिछले समय घटना घटी, पिछले साल घटना घटी थी, आज हमारे कैंप खुल गए, दर्रे में हमारे कैंप खुल गए। तो इस प्रकार लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इनकी बखलाहट है जिसके कारण से ये घटना घटी है। और बहुत जल्दी वहाँ और कैंप खुलेंगे जिससे जो माड़ के एरिया है उससे वो कट ऑफ हो जाएंगे। बीजापुर के इलाका जो नेशनल पार्क है उससे कट ऑफ होगा, तो वो बहुत सीमित दायरे में अब सिमट गए हैं। और भारत सरकार की तरफ से भी और राज्य सरकार की तरफ से भी जो विकास के कार्य हैं उस पर गति लाने का आवश्यकता है। खासकर सड़कें हैं और जो टेलीफोन की कनेक्टिविटी है और रोजगार के काम है, इसमें हम लोगों को तेजी लाने की आवश्यकता है। और इस दिशा में अभी बातचीत भी हुई है और सार्थक बातचीत हुई है। और केंद्र के बल और राज्य के बल के जो दोनों अधिकारी हैं उनके बीच में यहाँ पर समन्वय भी है और संयुक्त रूप से ऑपरेशन भी हुआ है और आगे भी इस प्रकार से होगा। आज केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आया है और नक्सली समस्या लगातार बढ़ते जा रही है। जो अभी जो बैठक हुई है उस बैठक में आप पूरा विश्वास है कि केंद्र से आप जो सहयोग मांग रहे हैं वो सहयोग मिलेगा? बिल्कुल समन्वय है और हम लोग अपनी डिमांड रखे हैं। और जैसे जिस प्रकार से गृहमंत्री जी ने बताया कि ये कोरोना काल के कारण से कुछ विलम्ब हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग जो डिमांड किए हैं वो पूरा होगा। घटना को देख कर लग रहा है कि नक्सलियों के जो मुख्य गढ़ है वहाँ तक फोर्स पहुँची है जी। ये मतलब ये देखा जाए कि घटना एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है, लोग मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, अच्छी बात, मतलब पूरी बात है। लेकिन जो वास्तविकता है वो ये है कि एक ऐसा गढ़ है जहाँ पर हेलमा का क्षेत्र था वहाँ तक पुलिस बल का पहुँचना ये अपने आप में उपलब्धि है। अब क्या लग रहा है कोई अपने को हवाई हमले की या हवाई उसकी जरूरत पड़ सकती है? अभी उस मामले में कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन जो हमारी रणनीति है, रणनीति का खुलासा अभी नहीं किया जाएगा, लेकिन ये है कि हम उसके मांग में घुसे हैं। ये पहली बार हुआ, पिछले साल भी मिनपा पहुँचे, इस साल तर्रेम के आगे गए हैं, तो उसके मांग में हम घुस चुके हैं और बहुत जल्दी उसको सफाया भी। एक जवान अभी मिसिंग है, ये जानकारी हमको। ग्रेहाउंड सर्विस है जो आंध्र प्रदेश में काम करती है, यहाँ छत्तीसगढ़ में लागू करेंगे। एक जवान भी मिसिंग। देखिए कई सारी चीज़ों के निर्णय हुए हैं, मैं नहीं मानते निर्णय सार्वजनिक रूप से चर्चा करनी चाहिए, मगर बहुत डिटेल चर्चा हुई है। और जैसा कि मैंने आगे भी बताया कि जिस जगह पे मुठभेड़ हुई वही बताता है कि हम काफ़ी आगे पहुँचे। देखिए जिस जगह पे आप आज श्रद्धांजलि दिए, पाटिल साहब ने दिए, आज आपने भी दिया, लेकिन आपने एक बात कही कि इसको अंजाम तक पहुँचाएंगे, ऐसा कोई निर्णय है क्या? नहीं, मैंने कहा ना कि बहुत सारी चीज़ें चर्चा हुई है मीटिंग में, मगर इसको सार्वजनिक नहीं किया। तो गृहमंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि अशांति के खिलाफ जो अभियान चलाया गया है, नक्सलियों के खिलाफ जो अभियान चलाया गया है उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। आज जो रिव्यू मीटिंग हुई थी अधिकारियों के साथ, अधिकारियों ने भी ये साफ तौर पर कहा कि इस अभियान को और तेज करने की जरूरत है, जो ये बताता है कि अधिकारियों के हौसले बुलंद हैं, जवानों के हौसले बुलंद हैं। इस सबके बीच गृहमंत्री की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि अभियान ऑपरेशन किसी भी कीमत पर कुंद नहीं होगा। और साथ ही उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि रणनीति पर चर्चा हुई है लेकिन सार्वजनिक तौर पर इसके बारे में नहीं बताया जा सकता। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हम हिडमा के मांद में घुसे हैं, यानी उसके गढ़ में घुसे हैं, यही अपने आप में बड़ी बात है और ऐसे में जल्द से जल्द उसका सफाया भी किया जाएगा। लेकिन इस सबके बीच गृहमंत्री की तरफ से साफ कर दिया गया है कि नक्सलियों पर सख्त कदम उठाया जाएगा, जो अभियान उनके खिलाफ चल रहा है उसको और तेज किया जाएगा। सुनिए गृहमंत्री अमित शाह ने क्या कहा। सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के जो जवान शहीद हुए हैं उनको मैं भारत सरकार की ओर से, पूरे देश की ओर से, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से श्रद्धांजलि देता हूँ। उनका ये सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा,
ये लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने के लिए उनका बलिदान देश हमेशा याद रखे। और रिव्यू मीटिंग के अंदर ये लड़ाई की गति किसी भी तरह से कम न हो, ये सुझाव अफसरों की ओर से ही आया, जो बताता है कि हमारे जवानों का मॉरल अभी भी इंटैक्ट है और आगे बढ़ा है। और मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लड़ाई रुकेगी नहीं और गति के साथ आगे बढ़ेगी और इसको हम अंजाम तक ले जाएंगे। ये लड़ाई में अंत में नक्सलवादियों के खिलाफ हमारी विजय निश्चित है। तो गृहमंत्री अमित शाह ने जहां एक तरफ शहीदों को एक बार फिर से श्रद्धांजलि दी, उनके परिवार को भी भरोसा दिया कि जवानों का जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा और जो लड़ाई शुरू की गई है नक्सलियों के खिलाफ उसे और तेज किया जाएगा और इसमें जीत निश्चित रूप से हासिल की जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से सभी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई और उन्होंने ये साफ कर दिया है कि आज जो रिव्यू मीटिंग हुई उसमें भी फोर्स के अधिकारियों से चर्चा हुई। फोर्स के अधिकारियों की तरफ से भी ये कहा गया है कि इस अभियान को और तेज किया जाए, जो ये बताता है कि किस तरीके से फोर्स के हौसले अभी भी बुलंद हैं। आपको बता दें परसों ये मुठभेड़ हुई थी नक्सली और सुरक्षा बल के बीच, जिसमें नक्सलियों को भारी नुकसान पहुंचाया गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नक्सलियों का लीडर है हिडमा, उसके गढ़ नहीं, मैंने कहा ना कब बहुत सारी चीजें चर्चा हुई है आज मीटिंग में, मगर इसको सार्वजनिक नहीं किया गया। धन्यवाद। तो बहुत सारी बातों पर चर्चा हुई है, बहुत सारे बातों पर विचार हुआ है, लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। लेकिन एक रणनीति बनी है और रणनीति का मकसद साफ है कि जो लड़ाई शुरू की गई है उसको अंजाम तक पहुंचाया जाए और उसमें जीत भी निश्चित रूप से हासिल की जाएगी। इस तरह का दावा और भरोसा गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से दिया गया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि जो अभियान चल रहा है उसे और तेज किया जाएगा। नक्सली हमले पर बोल रहे थे अमित शाह, उन्होंने कहा कि जो बलिदान देश के जवानों ने दिया है वो बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, देश उस बलिदान को नहीं भूलेगा और ये लड़ाई रुकेगी नहीं, ये लड़ाई निरंतर चलती रहेगी तब तक जब तक कि इस लड़ाई को अंजाम तक ना पहुंचा दिया जाए, इस लड़ाई को और तेज किया जाएगा। इस बात की जानकारी भी गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से दी गई और उन्होंने कहा कि लड़ाई में हमारी जीत निश्चित ही होगी, परिवार के साथ पूरा देश खड़ा है। शहीदों के परिवार वालों को भरोसा देते हुए अमित शाह ने कहा कि परिवार के साथ पूरा देश खड़ा है, उनके लिए हर संभव मदद के लिए हम तैयार हैं और उन्होंने अपने अपने को खोया है लेकिन उस बलिदान को देश कभी नहीं भूलेगा और वो बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जिस लड़ाई को उन शहीद जवानों ने शुरू किया था उस लड़ाई को आगे तक पहुंचाने का काम होगा और उसको लेकर रणनीति पर विचार किया गया। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद दी कि फोर्स के अधिकारियों के साथ मैंने बैठक की है, रिव्यू किया है इस पूरे मामले पर और एक रणनीति बनी है, लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। और इस बीच आपको बता दें छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक परसों जो हमला हुआ है उस पूरे मामले में 22 जवान शहीद हुए हैं और जो जानकारी मिल रही है उसमें नक्सली हमले में अयोध्या के रहने वाले राजकुमार यादव भी शहीद हुए। उनकी शहादत की जानकारी मिलते ही आसपास रहने वाले लोगों की जो भीड़ है वो घर पर जुट गई। इस दौरान उनके घर में मातम पसरा नजर आया, घर वालों का रो रोकर बुरा हाल है। 5 भाई बहनों में राजकुमार क्योंकि सबसे बड़े थे और उनके ऊपर ही पूरे घर की जिम्मेदारी भी थी। राजकुमार यादव की शहादत की खबर मिलते ही आम लोगों के साथ साथ कई अधिकारी भी शहीद के घर पर पहुंचे और उनके परिवार के लोगों से मुलाकात कर उनका ढांढस बंधाया। बीजापुर में हुए नक्सली हमले में छत्तीसगढ़ के कांकेर के रहने वाले जवान रमेश भी शहीद हुए। रमेश की शहादत की जानकारी मिलते ही उनके गांव में मातम पसर गया, गांव के लोग अपने बेटे की शहादत पर गमगीन दिखे। रमेश के पार्थिव शरीर को आज उनके गांव पहुंचाया जाएगा जिसके बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नक्सली हमले में शहीद हुए जवान की, एक तरफ अयोध्या के
राजकुमार यादव। तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से